सो हे गाइस, कैसे आप लोग? आई जस्ट होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस न्यू व्लॉग में। एंड सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी गाइस कि इतने दिनों के बाद मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ। हमारा जो लास्ट व्लॉग था वो 2 फरवरी को आया था, एंड उसके बाद मैं जॉब वगैरह में लग गया, जिसकी वजह से मैं व्लॉग पर ध्यान ही नहीं दे पाया। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ध्यान नहीं दे पाया, द प्रॉब्लम इज़ कि यार एक नॉर्मल बाइकर जो कि फैमिली से सपोर्ट लिए बिना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है। एंड मेहनत तो ठीक है, द पॉइंट इज़ कि टाइम नहीं मिल पाता इन चीज़ों में। एंड जो टाइम मेरे पास होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं मतलब हाँ भाई टाइम सॉरी तो जो टाइम होता है वो जॉब वगैरह में चला जाता है, उसके बाद मैं लेट घर आता हूँ, खाना खाते वगैरह 11:30 हो जाता है, उसके बाद से निकलना कोई मतलब बनता नहीं है खास, जिसकी वजह से व्लॉग में कर नहीं पा रहा था। और दिन का टाइम भी ऐसा हो रहा था कि सुबह सुबह निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता है काम की वजह से। तो आई एम रियली सॉरी फॉर इट गाइस, बट अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वीक में एटलीस्ट 2 व्लॉग तो मैं अपलोड करूँ ही करूँ। एंड अभी का अगर मैं आपको सीन बताऊँ तो वैसे तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी व्लॉग्स होते हैं ग्वारीघाट से ही स्टार्ट करूँ, मैं पहले ग्वारीघाट जाकर माँ नर्मदा के दर्शन करूँ, उसके बाद ही व्लॉग की स्टार्टिंग हो। बट अनफॉर्चुनेटली फ्यूल की काफ़ी कमी है, बट यहाँ से नहीं डलवाएंगे आगे से फ्यूल की काफ़ी कमी है, जो कि आई थिंक परसों से ही बता रही है। जब मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ तो जो फ्यूल इंडिकेशन होता है, जो कि हमें अलर्ट कर रहा होता है कि भाई डलवा ले, वो हर बार स्टार्ट हो जाता है। बट जब गाड़ी चल रही होती है तो आपको पता होगा पेट्रोल शेकिंग की वजह से शो होने लगता है वो। तो अभी मैं निकला हूँ घर से, और कुछ खास रीज़न लेकर नहीं निकला हूँ, क्या करना है बस हम निकल गए हैं। उससे पहले रिफ्यूल करा लेते हैं बाइक को। अभी हम निकल चुके हैं गाड़ी की रिफ्यूलिंग करा कर, और अब हम जा रहे हैं सिविक सेंटर की तरफ, और वहाँ पर बस चलते हैं ना, अभी से क्यों बताना है, लेट्स गो। इसमें हम एग्जॉस्ट भी डलवाएंगे, बट उसकी बेंड पाइप अभी हमने बनवाई नहीं है, जो कि आई डोंट नो कितना वक्त लग सकता है, बट जल्दी मैं हम लोगों से इतना बोल सकता हूँ गाइस, हम जल्दी ये चीज़ करवा लेंगे कि हमारे पास और नहीं, ये नहीं बोला कि ऑप्शन नहीं है, बट मुझे करवाना है यार, मैं चाहता हूँ, अच्छा लगता है। अरे सर क्या कर रहे हो आप, आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करवाना चाहिए लोगों से सर। गाइस देख रहे हो कुछ नहीं बचा कहने के लिए गाइस जैसे ये देखो यहाँ पे ये ट्रिपलिंग कर रहे हैं, हेलमेट लगाया है बट ट्रिपलिंग कर रहे हैं वो, और जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे ये दीदी जेब्रा क्रॉसिंग पे, वो अंकल फैमिली के साथ जेब्रा क्रॉसिंग पे, क्या बोल सकते हैं, खैर छोड़ो ये छोड़ो। एक यहाँ पे डलवाना है, मतलब दोनों साइड टैंक में यहाँ पे, और थोड़ा ऊपर ठीक है, अच्छा खासा बड़ा दिख रहा है यार, नाइस। तो गाइस यहाँ लग चुका है यूजर नेम, और
नाइस। चलो दूसरी साइड और लगा लेते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा सेम ही रखना भैया। ऑलमोस्ट सेम ही। अरे क्या हो गया, तस्करी का माल पकड़ा गया क्या? पता नहीं भाई, ऐसा लग रहा है गाड़ी जब्त करके थाने ले जाई जा रही है, क्योंकि जिसकी कार है वो बंदा तो उतर चुका है। आई थिंक उसी की कार थी अगर मैं गलत नहीं हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बोलते इस बारे में। लेट्स गो। अभी के लिए कुछ देर के लिए विदा लेते हैं, बाकी का शाम को कंटिन्यू करने वाले हम, क्योंकि अभी कुछ छोटे से काम है। A few hours later. So guys, a very good evening to you all. और अभी हो चुके हैं शाम के 6:50 और मैं अपने सारे काम जो भी मुझे करने थे वो करके फ्री हो चुका हूँ और दोबारा से निकल गया हूँ। और जैसा कि आपने देखा, दिन में तो गाड़ी में फ्यूल नहीं था, तो फ्यूलिंग के लिए मुझे पहले जाना पड़ा, जिसकी वजह से आज माँ नर्मदा के दर्शन नहीं हो पाए। बट अभी माँ नर्मदा के दर्शन हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हर शुभ काम से पहले बनता है। अरे जबलपुर के वासी हैं भाई। तो गाइस, जैसे कि आपने कुछ ही देर पहले इस व्लॉग में देखा कि मैं आज सिविक सेंटर भी गया था, और वहाँ पर हमने अपना यूज़र नेम स्लैश चैनल नेम हमारी गाड़ी पर लगवा लिया है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर ये किसी भी तरीके से बेटर लग सकता था आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी आप ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में मैंशन करें। जो भी बेस्ट हो सकता है हमारी अपाचे के लिए, वो हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम ग्वारीघाट से निकलेंगे और अब हम जा रहे हैं क्रेज से मिलने, जैसा आप जानते ही हैं ऑब्वियसली, हमारे काफ़ी अच्छे मित्र, और फिर वहाँ से देखते हैं क्या करना है। फ़िलहाल तो उसे ही घर चलता है। सो लेट्स गो। तो गाइस, अभी हम यहाँ से फिर से निकल रहे हैं और अब हम लोग जाने वाले हैं सिंगल सिलेंडर से मिलने। अभी हमारी कुछ देर पहले उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि तबीयत ख़राब है, इस वजह से मिलने नहीं आ पाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम ही उनसे मिलने चले आएँ। और अभी मैं और WT क्रेज हम दोनों सिंगल सिलेंडर से मिलने जा रहे हैं।
गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं सिंगल सिलेंडर को लेकर अपने साथ। वैसे तो उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है बट कोई बात नहीं, हम लोग अभी जा रहे हैं चाय पीने के लिए, थोड़े साथ में बैठेंगे, उसके बाद मैं भी अपने घर निकल जाऊंगा और आज का व्लॉग यहीं समाप्त हो जाएगा। बट समाप्ति से पहले आइए चलते हैं। तो गाइस अभी हम आ गए हैं चाय शाय बार और यहाँ पे थोड़ी बातें, थोड़ी चाय और उसके बाद हम निकलेंगे घर की तरफ। गाइस अभी मैं भी निकल रहा हूँ घर की तरफ और क्रेज़ और सिंगल सिलेंडर दोनों अपने अपने घर निकल गए हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है 10:30 बज चुके हैं, कौन ही बैठ रहा है इतने फालतू। और आपको आज के इस व्लॉग में क्या अच्छा लगा वो भी ज़रूर बताइए, आपका ओपिनियन, आपके फीडबैक्स बहुत मायने रखते हैं। और हाँ, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे आगे किसी ऐसे ही बढ़िया से व्लॉग में जिसमें आपको बाइक दिखेगी, मैं दिखूँगा, थोड़े मज़े और बकचोदी दिखेगी। सो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बस बढ़िया रहो यार, सेफ रहो, चुस्त रहो, मस्त रहो। अ वेरी गुड नाइट टू यू ऑल, बाय बाय।